ये पाकिस्तान की वाहिद यंगेस्ट डॉक्टर हैं, मेल फीमेल दोनों को ट्रीट कर रही हैं। मेल पेशेंट्स को जब मैं ट्रीट कर रही होती हूँ तो अक्सर मुझे बहुत ज्यादा हार्श कमेंट्स मिलते हैं नीचे, टच नहीं करूंगी तो मैं मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैंने अपने हाथों से बेसिकली पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो ये बड़ा एक अजीब सा गंदे वाला माइंडसेट है, स्पेसिफिकली हमारी सोसाइटी के आदमियों के अंदर ये बहुत ज्यादा मैंने चीज नोटिस की है कि जब भी मैंने कोई अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है उनके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आदमी क्यों नहीं ट्रीट कर रहा, आपके साथ कोई मेल डॉक्टर क्यों नहीं है जो ट्रीट कर रहा, आप एक मेल थेरेपिस्ट क्यों नहीं रख रही अपने साथ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर महरीन मजर हमारे साथ मौजूद हैं। ये कायरोप्रैक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इनके पास हैं, सर्टिफिकेशन इनके पास हैं। इनके पास आने का आज बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मकसद है। हमने ये देखा है कि जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो मेल को मेल ही ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की वाहिद यंगेस्ट डॉक्टर हैं जो कि मेल फीमेल दोनों को ट्रीट कर रही हैं और ये बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को बता रही हैं। तो इनसे जानते हैं सबसे पहले कि ये कैसे इन्होंने सोचा, इसमें इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनकी फैमिली सपोर्ट कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा आराम से बताया कि ठीक है मेल भी बीमार हो सकता है तो उसको भी डील किया जा सकता है, तो लेकिन हमारा ये माशरा सोसाइटी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अभी तक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, वो कहते हैं ये कैसे लड़की जो है वो टच कर रही है मर्द को। तो ये आपने कैसे फेस किया, ये बड़ा इजीली था, स्मूथ हो गया सब कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी मैं अपनी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो ऐड करती हूँ जिसमें मैं पेशेंट्स की कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मेल पेशेंट्स को जब मैं ट्रीट कर रही होती हूँ, तो अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट्स मिलते हैं नीचे कि भाई ये फीमेल डॉक्टर हो के क्यों मेल पेशेंट्स को टच कर रही है। टच नहीं करूंगी तो मैं मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना, मैंने अपने हाथों से बेसिकली पेशेंट्स को ट्रीट करना है। अगर मैंने उसकी एडजस्टमेंट्स करनी है तो मैंने हाथों से उसकी ट्रीटमेंट करना है। मेल पेशेंट्स को भी इंजरीज हो सकती हैं, मेल पेशेंट्स को भी किसी डॉक्टर की जरूरत है, और एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत हो तो वो एक डॉक्टर के पास आएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसीलिए मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि अगर कोई मेल पेशेंट आया तो मैं उन्हें बोलूं कि मैं नहीं ट्रीट करूंगी, मैं सिर्फ फीमेल्स को ट्रीट करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं मेल फीमेल दोनों की कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करती हूँ और स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी भी परफॉर्म कर रही हूँ। इससे पहले कोई आपने देखा है लाहौर में फीमेल जो है वो इस तरह ट्रीट कर रही हूँ? मुझे आइडिया नहीं है कि कोई फीमेल थेरेपिस्ट इस तरह से मेल पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो इनिशियली शुरू से ही फीमेल मेल के दरमियान में कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मेरे ख्याल होंगी भी तो वो शायद अपने आप को शो नहीं करवाती ना ज्यादा, कोई भी नहीं सोशल मीडिया पे मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहा होता किसी चीज से रिलेटेड जितनी मैं बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी नहीं इस तरह हुआ कि मैंने किसी पेशेंट का फेस ब्लर किया हो या अपना फेस ब्लर कर दिया हो स्पेसिफिकली इस वजह से कि फीमेल थेरेपिस्ट क्यों मेल को ट्रीट करी, इट नेवर हैपेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो स्टडी पाकिस्तान में की है, प्रैक्टिस भी पाकिस्तान में की है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं आपको उसमें सिखाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। वहां कभी भी एक डॉक्टर और पेशेंट के, मैं आपको बेसिकली बताती हूँ, जब भी हम पढ़ते हैं ना हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते कि मेल पेशेंट आएगा तो हमने ट्रीट नहीं करना बीइंग अ फिजिकल फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी है। हमने एक पेशेंट को पेशेंट की तरह डील कर रहे होते हैं, और वो हमारे पास एक डॉक्टर, मतलब मेरे पास अगर आ रहा है तो वो मुझे डॉक्टर समझ के आ रहा है, वो ये नहीं समझ के आ रहा कि ये फीमेल है तो हम बस ऐसे चले जाएंगे इस तरह से, कुछ नहीं, वो अपनी इंजरीज को लेके पेन को लेके मेरे पास आ रहा है और मैंने बीइंग अ डॉक्टर उन्हें डील करना होता है। तो ये बड़ा एक अजीब सा गंदे वाला माइंडसेट है, स्पेसिफिकली हमारी सोसाइटी के आदमियों के अंदर ये बहुत ज्यादा मैंने चीज नोटिस की है कि जब भी मैंने कोई अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है उनके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आदमी क्यों नहीं ट्रीट कर रहा, आपके साथ कोई मेल डॉक्टर क्यों नहीं है जो ट्रीट कर रहा, आप एक मेल थेरेपिस्ट क्यों नहीं रख रही अपने साथ, मतलब इस तरह के मुझे कमेंट्स मिल रहे होते हैं नीचे। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट को डील कर रही हूँ चाहे वो मेल है या फीमेल है। मैं बिल्कुल जनरली यही जानना चाह रहा था कि जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं, जब स्टडी कर रही हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो ये नहीं बता रहे कि आपने मेल को करना है फीमेल को करना है, वो आपको डॉक्टर बना रहे हैं दोनों के लिए, लेकिन जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई हैं तो यहाँ गैप मौजूद है। ऐसे ही है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गैप मौजूद है, और स्पेसिफिकली हमारे लोगों के दरमियान में एक बड़ा माइंडसेट इस तरह से है कि मेल को मेल ट्रीट करें और फीमेल को फीमेल ट्रीट करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेल को ट्रीट आप कर रही हैं, अब ये लोग वीडियो देख रहे होंगे और वो बहुत रब्ता करने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन आके कोई उनको ना प्रॉब्लम हो और वो जस्ट आपको पता है जिस तरीके से टाइम पास करें या आके बताएं,
तो इस तरह की भी आपको जाहिर है आप तो ये चीज आप फेस कर रही हैं, ये चीज भी फेस करती हैं। देखें ये सारी चीजें ना हमें एक्सपीरियंस से समझ में आ जाती हैं कि कौन सा पेशेंट जेन्युइनली पेशेंट है और कौन सा सिर्फ ऐसे आ रहा है वैसे ही। तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने एक प्रॉपर मेल थेरेपिस्ट की टीम रखी उसको भेज देते हैं। तो फिर मैं उनको प्रॉपरली रेफर कर देती हूँ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स में उनकी परफॉर्म करके उनको फिजियोथेरेपी के लिए मेल थेरेपिस्ट के पास सेंड कर देती। ये बड़ा अच्छा है। लास्टली बस जाते जाते बता दें कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़ा ओपनली इस चीज में बोल रही हैं और जिस तरीके से हम देखते हैं कि खवातीन को भी जो मामला होते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं मेल डॉक्टर्स होते हैं जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको डील करते हैं, लेकिन फीमेल जब मेल को डील कर रही है तो उसमें आपको बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है और मुझे नहीं समझ में आती कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को डील कर रहा है तो इतना क्रिटिसिज्म क्यों। तो फिर आप डॉक्टर सारे मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाएं, आप वैसे ही एहतजाज करने बैठ जाते हैं सैलरियां नहीं बढ़ रही इसके ऊपर आवाज उठाएं। सैलरीज तो हमें मिलती नहीं सर, फिजियोथेरेपिस्ट की तो आप बात ही ना करें। फिजियोथेरेपिस्ट का तो पाकिस्तान में वैसे ही कोई काउंसिल को कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो हम तो बेचारे मासूम से लोग हैं। हम फिजियोथेरेपिस्ट जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना वो अपने दम पे कर रहे हैं। अगर मैंने अपना कोई नाम बनाया सोसाइटी में तो वो मैंने स्पेसिफिकली अपनी मेहनत से बनाया। हमें सोसाइटी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रही है। आप लास्टली जाते जाते लोग आपको देख रहे हैं, आपका मैसेज क्या, आप क्या डिलीवर करना चाहती हैं कि बीइंग अ यंग डॉक्टर आपने बड़ा एक जो है वो स्टेप लिया और आप बड़ा ब्रॉड माइंड से ये सोच रही हैं कि ठीक है मेल फीमेल को हम ट्रीट करते हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं, क्या आपका मैसेज है, आपने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक क्या सीखा है और आपको क्या लग रहा है कि लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सिर्फ लोगों को इतना कहूंगी कि प्लीज अपने माइंड्स को क्लियर कर लें। अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, मेल पेशेंट ही है, लेकिन वो है तो मरीज ही ना, वो अपनी किसी इंजरी के लिए आ रहा है, अपनी किसी पेन के लिए आ रहा है, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज से आ रहा है, स्पोर्ट्स इंजरी अक्सर हो जाती है तो उसके लिए आ रहा है, तो मैं उसको एक पेशेंट की तरह डील कर रही हूँ, बींग अ डॉक्टर डील कर रही हूँ। तो एज सच हमारे दरमियान में उस तरह से मतलब वो चीज अपने माइंड से निकाल दें कि एक फीमेल क्यों ट्रीट कर रही है एक मेल पेशेंट को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर महरीन हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से बड़ा ओपनली इस चीज़ को लेकर चल रही हैं और इनको क्रिटिसिज्म का भी सामना है, तो हमें सबको चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली वाले हैं और जब वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि नर्सिस होती हैं, स्टाफ होता है वो भी मेल फीमेल होता है। अगर आप वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे तो फिर यहाँ जो कि ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अपना काम परफॉर्म कर रही हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, तो उनको इस तरह क्रिटिसिज्म का सामना करना उनके लिए ये जाहिर है एक बड़ा डिमोटिवेशन भी होती है एक इंसान के लिए जो कि एक प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो हमें इनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए और इनका ऑफिस वापडा टाउन में, अगर आप किसी भी कंसल्ट इनसे करना चाहते हैं कोई भी मामला तो आप इनके पास इनके क्लिनिक आकर इनसे सारी जो है वो मालूमात डील कर सकते हैं। और आपका कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया हैंडल है लोग आपसे रब्ता करें? हाँ जी, आप ज़रूर मेरे से रब्ता कर ले। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट डॉक्टर महरीन मज़र के नेम से है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगी, वो भी आप साथ अटैच। ठीक है, स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।